Hello, my dear students. Jai Swami Narayan. This is our part 2 of our chapter number 15, our environment. In previous lecture, we have studied about our ecosystem. We have started our chapter. We have learned about the chapter introduction. Then we have started our first topic, that is इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कैसे बनता है मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में. देन व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, मीनिंग बायो कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक. सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और दूसरे फैक्टर्स कौन से होते हैं कंपोनेंट्स इकोसिस्टम में, कि जो टेम्परेचर होता है एंड ऑल दिस अबाउट एटमोसफियर एंड ऑल दिस थिंग्स. सो इकोसिस्टम ऐसे बनता है कि वो एक दूसरे के साथ वो एक कनेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, डेट इज ईच अदर विद ईच अदर. सो डेट इज़ द इकोसिस्टम. नाउ कंटिन्यू विथ दिस टॉपिक. सो द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट हैज़ बीन फाउंड डेट द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट डैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इन टू द फूड एनर्जी. सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द एनर्जी फ्लो एंड ऑल दिस एनवायरमेंटल थिंग्स, कि कैसे एक जो होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में कैसे एनर्जी जाते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स डैट विल प्रोड्यूस द केमिकल एनर्जी डैट विल फ्रॉम द सनलाइट, कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट का एब्जॉर्ब करेंगे, देन दे विल प्रोड्यूस द एनर्जी. एंड उनको जो भी ईट करेगा, उसको जो भी खाएगा, वो होगा कंज्यूमर. ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो अपना खाना खुद बनाएंगे, दे आर आत्मनिर्भर. तो उन उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोड्यूसर बोलेंगे, कि वो लोग प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, हमारे जैसे के लिए, कि हम भी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं. सो वी आर कंज्यूमर्स. सो हियर द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1%, कि वो जो भी पूरी सनलाइट की एनर्जी है वो ओनली 1% तो वो ग्रीन प्लांट्स के थ्रू ही होती है. दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स, कि डैट इज़ पोलन लीव्स, बिकॉज इन लीव्स द क्लोरोप्लास्ट डैट इज क्लोरोफिल कंपोनेंट इज देयर फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फूड एनर्जी, कि वो लोग अपना जो फूड बनाते हैं वो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सो डैट इज़ कन्वर्ट इंटू द फूड एनर्जी. सो दिस इज़ अबाउट द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पर होता है, लीव्स के अंदर होता है. ओके, बिकॉज लीव्स का जो सर्फेस एरिया होता है वो भी ज़्यादा होता है, एंड दैट्स वाई द डिपेंड ऑन सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया ऑल्सो, एंड देन एटमोस्फियरिक सनलाइट ऑल्सो. सो दिस इज़ अबाउट द थिंग, जो फ्लो ऑफ एनर्जी इट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स से ही एनर्जी फ्लो शुरू होता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से दूसरे लोग तो एनर्जी लेंगे नहीं, वो तो ग्रीन प्लांट्स ही लेंगे, एंड ग्रीन प्लांट्स उस एनर्जी का यूज़ करके हम लोगों को वो फॉर एग्जाम्पल हियर इज़ द फूड विल बी प्रोवाइडेड. सो फूड विल बी प्रोवाइडेड बाई ग्रीन प्लांट्स एंड डेट इज़ कॉल्ड एज प्रोड्यूसर. वेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, मैंने आपको बोला अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, वहाँ पर एनर्जी का लॉस्ट हो गया, क्योंकि हमने प्लांट्स के वो जो पार्ट्स जो भी हमने ईट किया, जो भी हमने कंज्यूम किया है, सो उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी कम हो रही है एज हीट टू द एनवायरनमेंट एंड सम अमाउंट गोज इन टू द डाइजेशन, कि हम कुछ भी खाते हैं, हम नहीं, हमारे जैसे और भी जो एनिमल्स है वो भी तो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, तो वो उनके अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें भी थोड़ी बहुत अमाउंट वो जाता है एनर्जी का. एंड इन द डूइंग वर्क ऑल्सो, सो वी आर डूइंग वर्क, सो डूइंग वर्क में भी हमारी एनर्जी लॉस होती है, एंड रेस्ट गोज टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. हम हमारी ग्रोथ जो होती है, हम जो रिप्रोड्यूस होते हैं, एनिमल्स भी, सो उन सभी चीज़ों में, इन सभी एक्टिविटीज़ में द एनर्जी फ्लो इज कन्वर्टेड. नाउ एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इन टू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर. सो हियर एवरेज 10%, की जो भी फूड उसने ईटन किया है उसका 10% जो होगा डेट इज़ टर्न इंटू इट्स ओन बॉडी, कि उसके ओन बॉडी में ही वो 10%
हो जाएगा टर्निंग एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, कि वो उसकी जो बॉडी के अंदर वो जो 10% गया है वही 10% दूसरे जो कंज्यूमर होंगे उनके लिए वो यूज़ हो सकेगा, डेट इज़ कैपेबल ऑफ द अनदर कंज्यूमर्स एंड वी कैन से द नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर्स. सो देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डेट इज़ प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स. सो गाइज कीप इन माइंड दिस थिंग 10% नंबर, ओके दिस नंबर इज़ इम्पोर्टेंट. 10% जो एनर्जी है वो एवरेज वैल्यू है, कि 10% कैन बी टेकन एज एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप, कि वो ईच स्टेप जो होता है एनर्जी फ्लो का उस हर एक स्टेप के ऊपर वो 10% जो होती है वो एवरेज वैल्यू होती है डैट इज़ फॉर द एनर्जी फ्लो एंड रीचिज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, कि उसके बाद भी जो कंज्यूमर होंगे उनको भी ये 10% अवेलेबल होगा. वो लोग अपना 90% यूज़ करें 10% फिर उनके जो कंज्यूमर होंगे उनको वो अवेलेबल होगा. सो 10% इज़ द एवरेज वैल्यू, कि वो एवरेज उतना वैल्यू तो ऑर्गेनिक मैटर का होता ही है कि जो दूसरे लोग उनको कंज्यूम कर सके. सिंस सो लिटल एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3-4 स्टेप्स. सो यहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा कि 10% जो अवेलेबल होता है, ओके सो सबसे पहले आप यू कैन थिंक एज इन द फर्स्ट स्टेज पे क्या है 100% एनर्जी है, तो वहाँ से वो 10% अवेलेबल होगी दूसरे स्टेप के लिए. अभी वो 10% जो दूसरे स्टेज के अवेलेबल है उसके 10% वो अगले स्टेप के लिए होगा. सो ये रिड्यूस होता जाएगा धीरे धीरे, क्या होता जाएगा कम होता जाएगा. पहले 100% है उसमें से 10% हुआ, 10% का भी 10% कितना हुआ 1% हुआ, तो वो 1% आगे जाएगा. 1% का भी 10% जितना होता है 0.1% वो उसके आगे. सो ये 3-4 स्टेप्स तक ही ये लिमिटेड होता है बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग इन द मोड. लिटल एनर्जी होती है, लास्ट में 0.00% जो बचता है, डेट्स वाई ओनली 3-4 स्टेप्स इज देयर इन दिस फूड चेन. So the loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropical level. So energy का loss यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है हर एक stage में. That's why the very little energy जो होती है that can be used by the consumers at after the 4 tropic levels. जो 4 tropics level हो जाएंगे उसके बाद कोई energy बचेगी ही नहीं, loss of energy. So there are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producers. So guys, here is very easy point कि सबसे ज़्यादा जो individual होंगे अगर trophic levels में हम देखें हमारे ecosystem में, वो सबसे ज़्यादा किस में होंगे, जो lower level है. Lower level कौन सा होता है, producer का, कि जो लोग produce करते. तो obviously green plants से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आसपास green plants बहुत सारे greenery होती है, so वो लोग produce करते. So नंबर इज़ हियर हायर नंबर, कि वो ग्रेटर नंबर में होते हैं जो भी लोअर लेवल पे होते हैं. द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स इज़ वेरी ग्रेटली, वेरी ग्रेटली मीनिंग वेरी इज़ मीनिंग हियर VARY इज़ मीनिंग चेंजिंग. सो चेंजिंग ग्रेटली हियर लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन, कि फूड चेन की जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, लेंथ है उसकी कौन सी, कितनी लेंथ के वो, उसका लिमिट कितना है, कितने कंज्यूमर्स कितने प्रोड्यूसर्स, सो दे विल वेरी ग्रेटली. And each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism also, which in turn are eaten by the several other organism. So this is again IMP important, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक organism को एक ही organism खा सकता है. ऐसे भी organisms होते हैं कि उस organism को 3-4 लोग भी खा सकते हैं. So each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism and which in turn are eaten by several other organisms, कि उनको 2 से ज़्यादा भी organism जो होंगे वो उसको खा सकते हैं. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as the series of branching lines and that is called as the food wave. Wave का मतलब क्या होता है, जाली जैसा सब network. So यहाँ पर एक wave network बन जाता है, कि straight line नहीं है कि भाई उसको ये खाएगा उसको वो खाएगा उसको वो खाएगा, ऐसी straight line में नहीं है. इसके अंदर थोड़ा सा नेटवर्क होगा कि भाई इस ऑर्गेनिज्म को 2-3-4 ऑर्गेनिज़म्स खा सकते हैं, उन 2-4 ऑर्गेनिज़म्स को दूसरे 2-4 ऑर्गेनिज़म्स खा सकते हैं. सो ऐसे करते करते पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा. ओके सो ये स्ट्रेट लाइन में फूड चेन नहीं बनेगी. सो दिस इज़ अवर पिक्चर
15.3 फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ द मैनी फूड चेन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है वो आप लोग देख लो, समझ लो कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये सब क्या है, ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट्स मीनिंग प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स से ही सभी एनर्जी जनरेट होती है अर्थ के अंदर। सो ग्रीन प्लांट्स को कौन ईट करेंगे, यहाँ पर जो भी वेजिटेरियन जो एनिमल्स होंगे वो ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। देन फिर नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल्स होंगे वो उन वेजिटेरियन एनिमल को खा जाएंगे। सो यहाँ पर देखो आप लोग, ओके हियर रैबिट फॉर एग्जांपल, रैबिट है, फॉक्स है, उसको वाइल्ड एनिमल्स खा जाएंगे। यहाँ लास्ट में क्या है, टाइगर है। टाइगर सब मतलब जो भी सारे एनिमल्स हैं उनको वो टाइगर कैपेबल है। सो डैट इज़ हियर यू कैन सी कि इस ग्रीन प्लांट्स को इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने खाया, फिर उसको इस ऑर्गेनिज्म ने खाया, उसको इस ऑर्गेनिज्म ने खाया, फाइनली इसको भी खाने वाला टाइगर है लास्ट में। सो हियर ऑल्सो कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स की फ्रॉग है, कुछ बर्ड्स होते हैं, डेट इज़ सो वो सब क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि एक को एक ही खाएगा, एक को दो लोग भी खा सकते हैं। यहाँ पर देखो आप, फॉर एग्जाम्पल हियर दिस ग्रीन प्लांट डायरेक्टली भी वो दूसरे एनिमल्स खा सकते हैं, ओके, एंड यहाँ पर जो वेजिटेरियन है वो भी डायरेक्ट खा सकते हैं उसको। सो हियर इज द फूड वेब इज मेड। सो फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायाग्राम वी हैव सीन इन 15.4, ओके हियर 15.4। सो ये क्या है, शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है। सो सबसे पहले सनलाइट होती है, सनलाइट ग्रेटर अमाउंट में, देन प्रोड्यूसर हो जाएंगे जो प्रोड्यूस करेंगे, सनलाइट का यूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एंड देन हर्बीवोरस की जो मैंने बोला वेजिटेरियन, सो डैट इज़ कॉल्ड एज हर्बीवोरस एनिमल्स। सो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स होंगे वो खाएंगे किनको, ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे। देन कार्निवोरस जो होंगे वो हर्बीवोरस को खाएंगे। देन टॉप कार्निवोरस की जो सबसे ऊपर जो हमने टाइगर देखा था, वो टाइगर क्या है, टॉप कार्निवोरस है कि वो सभी को खा सकता है, ओके द लायन, लायन किंग होता है जैसे ही टाइगर। सो फ्रॉम दिस एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर, कि हम ये जब सारा स्टडी कर रहे हैं तो टू थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर एंड कैन बी आस्क इन एग्जाम, सो इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट आर दे टू थिंग्स, सो फर्स्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ओके फर्स्ट ये चीज़ तो क्लियर हो गई आप लोगों को कि यूनिडायरेक्शनल होता है, बिकॉज सनलाइट से प्रोड्यूसर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड टॉप। ऐसा नहीं हो सकता कि हर्बीवोरस को प्रोड्यूसर वापस खा जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कार्निवोर्स है उनको वापस वो हर्बीवोर्स खाएंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं। मतलब यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनि मतलब वन, ओनली वन डायरेक्शन इज हियर, कि यहाँ पर देखो ये जो तीर का निशान है ये भी एक एक साइड है, वन साइड ओनली, सो डैट इज़ कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल। डायरेक्शन इसकी एक ही रहेगी कि सनलाइट को प्रोड्यूसर ही खाएंगे, प्रोड्यूसर को हर्बीवोर्स ही खाएंगे, ऐसा नहीं है कि हर्बीवोर्स वापस प्रोड्यूसर को खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सो डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनली यूनिडायरेक्शनल है। फर्स्ट थिंग ये है, द एनर्जी डेट इज़ कैप्चर बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। सो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स जो सनलाइट से एनर्जी लेंगे वो वापस सनलाइट को कुछ देंगे नहीं वापस बदले में सोलर इनपुट, एंड द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स, कि ऑटोट्रॉप ने जो उनको एनर्जी दी है वो वापस तो उनके उनसे मांगेंगे नहीं। सो एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल, कि यहाँ पर प्रीवियस लेवल में वापस एनर्जी नहीं जाएगी, ये प्रोग्रेस होता रहेगा आगे आगे। सो सेकेंडली एक चीज़ तो ये हो गई यूनिडायरेक्शनल वाली, दूसरी क्या चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट्स डिमिनिस प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी, कि यहाँ पर रिड्यूसिंग होता जाएगा, एनर्जी जो है दूसरे लेवल पे थोड़ी कम बाकी रहेगी। जो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा है सनलाइट में, पावरफुल, वेरी पावरफुल, देन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास थोड़ी कम एनर्जी हो जाएगी, हर्बीवोर्स से उससे भी कम एनर्जी होगी, कार्निवोर्स में उससे भी कम एनर्जी होगी, टॉप कार्निवोर्स से उसको तो बहुत कम एनर्जी मिलेगी यहाँ पर। सो एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिस प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी, कि हर एक स्टेज के ऊपर एनर्जी का लॉस हो रहा है। सनलाइट के पास 100% एनर्जी है तो वो आगे जाके 10% ही वो प्लांट्स को देंगे, वो प्लांट्स 10% में से उसका भी 10% वो आगे
प्रोवाइड करेंगे, सो दैट इज़ 1%. सो अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अनोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर अवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन. कि एक दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ केमिकल्स बट हार्मफुल केमिकल्स, कि जो हम लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं. हार्मफुल का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुँचाते हैं हम लोगों को, कुछ फ़ायदा नहीं करते. सो अनोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स, कि वो अनोइंगली मतलब हम जानबूझ कर तो करते नहीं है ऐसा कि हम चलो जहर खा लेंगे, ऐसा तो है नहीं. वो अपने आप हमारे कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन के अंदर एंटर होते हैं. यू हैव रीड इन क्लास 9th कि हाउ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड. सो यू नो, यू शुड नो कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि यू हैव स्टडीड इन 9th साइंस. सो वाटर पॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल हियर सॉइल पॉल्यूशन, एटमोसफियर में एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन होता है. सो उन सब के पीछे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं कुछ. वन ऑफ द रीज़न इज़ द यूज़ ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम द डिसीजेस एंड द पेस्ट. सो सबसे ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, ग्रीन प्लांट से लेते हैं. सो ग्रीन प्लांट्स में वो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं कि उसके प्रोटेक्शन के लिए. ओके, हम पेस्टिसाइड क्यों यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट्स में, कि वो प्रोटेक्ट हो सके, वो उसको कोई बैक्टीरिया या वायरस उसको टच ना कर सके, उसको कोई डिसीज ना हो. ओके, डैट्स वाई वी आर प्रोटेक्टिंग बाय यूजिंग पेस्टिसाइड. सो पेस्टिसाइड यूज़ करने से हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आएंगे, जो भी उसको खाएगा उसकी बॉडी में वो आएंगे. दिस केमिकल आर आइदर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज. कि वो जो केमिकल्स हार्मफुल होंगे या तो वो सॉइल में ही रहेंगे या फिर वाटर बॉडीज में भी जा सकते हैं. फ्रॉम द सॉइल दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. कि वो जो पेस्टिसाइड होते हैं, वो पेस्टिसाइड अगर ज़मीन में है, सॉइल में है, तो वो क्या होगा, प्लांट्स के अंदर जाएगा. वो पेस्टिसाइड प्लांट्स के अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा विद द वाटर एंड मिनरल्स. प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है. सो उसके साथ साथ वो हार्मफुल केमिकल्स भी अंदर चले जाते हैं एंड दे फॉर्म द वाटर बॉडीज. दिस आर टेकन अप बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. कि एक साइड तो ये हो गया, लेकिन वाटर से कैसे होगा. सो वाटर में जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन होगा जो हार्मफुल केमिकल्स है उसका. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन. कि यहाँ से ही उनकी शुरुआत होती है कि वो फूड चेन के अंदर एंटर करेंगे. बिकॉज ग्रीन प्लांट्स को हम लोग खाएंगे, हमें दूसरा कोई खाएगा, उसको भी दूसरा कोई खाएगा. सो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे फूड चेन के अंदर. सो एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल नहीं है ये लोग. डिग्रेडेबल होना मतलब कि हमने ग्रीन प्लांट से ले लिया तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में वो लोग क्लियर हो जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है. नॉट डिग्रेडेबल, वो डिग्रेड नहीं हो सकते. दिस गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल. कि वो प्रोग्रेस, उनका तो प्रोग्रेस होता रहेगा ईच ट्रॉपिक लेवल पे. जैसे जैसे आगे लेवल में जाएगा वैसे वैसे वो तो बढ़ता जाएगा. सो एज ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन अवर बॉडीज. सो ह्यूमन बींग्स जो है वो टॉप लेवल पे होते हैं फूड चेन के. बिकॉज हम ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, कुछ कुछ वेजिटेरियन एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं हम उसको भी खाते हैं. हम नॉनवेज जो होते हैं, नॉनवेज पीपल होते हैं, वो लोग वाइल्ड एनिमल्स, सॉरी वाइल्ड नहीं, फॉर एग्जांपल जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ओके, ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ वो लोग दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं. फिशिस हो गई, चिकन है, डेट इज़. सो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं फूड चेन पे. सो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर होगा कि केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग में भी देखने को मिल सकेंगे. एंड दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मीनिंग टू मैग्नीफाई, प्रोसेस ऑफ मैग्नीफाइंग. हम मैग्नीफायर कब यूज़ करते हैं, कि किसी चीज़ को बड़ा देखना हो, ओके, हम उसको जूम करते हैं. सो यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रहा है, मतलब कि केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसका इंक्रीजिंग हो रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. कि कैसे ह्यूमन बींग्स के पास सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं लास्ट में. सो दिस इज़ द रीज़न वाई अवर फूड ग्रीन सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इवन मीट कंटेन द वेरिंग अमाउंट्स ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू. कि हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, देन कुछ नॉनवेज लोग जो होते हैं वो मीट खाते हैं, सो उन सब में वो पेस्टिसाइड के रेसिड्यू रह जाते हैं कहीं ना कहीं पर. सो दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग. कि वो हम
हमारे जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं हम उसको वॉश करते हैं अच्छे से, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने वॉश कर दिया तो वो हार्मफुल केमिकल्स निकल गए, कुछ अमाउंट में तो वो रहेंगे ही रहेंगे। सो हियर वी हैव एक्टिविटी 15.3। सो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट द पेस्टिसाइड लेवल इन रेडीमेड फूड आइटम्स आर ऑफन सीन दिस डेज एंड सम स्टेट्स हैव बैन दिस प्रोडक्ट्स, डिबेट इन ग्रुप द नीड सच बैन्स। गाइस मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि गाइस बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि मैगी सबकी फेवरेट है, ओके। सो मैगी बीच में बैन हो गई थी हमारे इंडिया के अंदर। मैगी को बैन क्यों किया था आप लोगों को ये पता लगाना है, दिस इज़ एक्टिविटी जो आप लोगों को करनी। सो मैगी को बैन किया था गवर्नमेंट ने क्योंकि उसमें एक हार्मफुल केमिकल है, मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊँगा, वो आपको ढूँढना है। हार्मफुल केमिकल की वजह से मैगी को बैन किया था। सो ये इनकी एक्टिविटी 15.3 में यही है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड इन दिस फूड एंड कुड पेस्टिसाइड गेट इनटू आवर बॉडीज फ्रॉम दिस सोर्स थ्रू अदर फूड प्रोडक्ट्स टू एंड डिस्कस व्हाट मेथड्स कुड बी अप्लाइड, कि कौन सी ऐसी मेथड है जो हम अप्लाइड कर सकते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए अगर पेस्टिसाइड है तो। सो आप मैगी वाला एग्जांपल याद रखो एंड नेचुरली भी ऐसा होता है, ये तो आर्टिफिशियल है, चलो मैगी वालों ने तो अपनी इंडस्ट्री में ये सब किया हुआ है, बट आर्टिफिशियली ये है। नेचुरली भी ऐसे कुछ पेस्टिसाइड्स जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं वो बैन कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। सो ये आपको पता लगाना है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, कि हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होती है, हमारे से सभी को प्रॉब्लम है। सो हाउ डू अवर एक्टिविटीज़, कि हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम करती है, ओके। सो वी विल सी अबाउट इट एंड नेक्स्ट लेक्चर। सो जय स्वामीनारायण, थैंक यू।